हेलो भाई, दिस इज इंशुरमान। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गियर कैसे लगते हैं गाड़ी के। इस बारे में बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको गियर लगाना समझाऊंगा, जो बहुत लोगों को जो है गियर लगाने में बहुत प्रॉब्लम, जो गाड़ी सीख रहे हैं मतलब, तो उनको जो है गियर लगाने में बड़ी दिक्कत आती है कि भाई गियर कैसे लगाएं, कैसे लगते सिंपली, मतलब पहले से दूसरा तीसरा चौथा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। तो इस बारे में बात करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं है। तो हर गाड़ी का ना मतलब 90% गाड़ियों का तो सेम ही होता है। तो जो ये i20 डीजल की, तो इसमें 6 गियर है और रिवर्स है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि मतलब जो 6 गियर वाली गाड़ी होती है और उसमें रिवर्स आगे होता है, तो उसका कैसे लगता है ये सब सिस्टम, ये भी समझा दूंगा मैं आज आपको उसमें। और बाकी तो सबका सेम ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। बस जहाँ पे यहाँ पे 6 है ना, उसकी जगह पे रिवर्स होता है, बस इतना डिफरेंस होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं, तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जितने भी आप गाड़ी चलाओगे ना, सबके ऊपर जो है इसका डायग्राम बना होगा कि कौन सी जगह पे कौन सा गियर है। तो सबसे पहले तो आप इसको रीड कर लें। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है रिवर्स लिखा हुआ है, इधर को ऐसे करके एरो करके, और ये जो है यहाँ पे फर्स्ट है, ये सेकंड हो गया आपका, थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो सब लाइन वाइज है। ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब कि पहले के बाद सीधा यहाँ पर तीसरा आ गया, तो ऐसे है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उल्टे सीधे नहीं है, सब सीरियल वाइज है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो आप सबको पता ही होगा कि भाई रिवर्स में तो जो है गाड़ी पीछे जाएगी, और बाकी के सारे पहला गियर होता है गाड़ी को पिकअप देने के लिए, मतलब उठाने के लिए, और फिर उसके बाद स्पीड बढ़ाने के लिए सारे गियर्स होते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो ज़्यादातर गाड़ी में 5 गियर आते हैं, लेकिन इसमें 6 हैं आगे के और रिवर्स अलग से है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि जो है आपको क्लच दबा के हमेशा गियर लगाना है स्टार्ट गाड़ी में। वैसे तो खड़ी में तो कुछ नहीं होगा, जैसे मैंने लगा दिया यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गाड़ी स्टार्ट होती तो हमें पहले क्लच प्रेस करना है। क्लच वो होता है, आपको पता ही होगा, सबसे पहले वाला ये ब्रेक होता है, ब्रेक पैडल, और ये एक्सीलेटर होता है, ए सी बी ए या ए बी सी, कैसे भी कर सकते हैं आप, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर। तो क्लच दबा के ही हमेशा गियर लगाना, वरना आपकी गाड़ी जो है आगे को भाग जाएगी, एकदम से झटका देकर बंद हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपका क्लच प्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई कैसे लगाना है गियर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको रिवर्स लगाना सिखाता हूँ, ठीक है। जो 6 गियर वाली होती है ना, जिनमें रिवर्स आगे की तरफ होता है, तो भाई कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई इसमें पहला भी आ गई है और रिवर्स भी आ गई है, तो हमें मतलब रिवर्स लगाएंगे तो यार कई बार पहला लग जाएगा, और पहला लगाएंगे तो रिवर्स लग जाएगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके बारे में मतलब इंजीनियर्स ने बड़ा दिमाग लगाया हुआ, अपना काम करा हुआ है। तो अगर आप देख सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पे लीवर दिखेगा, देखिए ये ऊपर हो रहा है, पुश करते हैं जैसे, इसको प्रेस करते हैं तो ऊपर होता है ये। तो इसको जैसे ही आप ऊपर करेंगे ना, चाहे तो आप ऐसे कर लें, चाहे एक उंगली से कर लें, चाहे ऐसे ग्रैब करके कर लें, तो इसको करके ही रिवर्स गियर लगता है। जैसे देखिए, अगर मैं नॉर्मली लगाऊंगा ना ऐसे करके डायग्राम के हिसाब से रिवर्स, तो ये पैरा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं इसको देखिए उठा के, अब मैंने ये भी मूव करता है, देखिए अब मैंने इसको उठाया और मैंने कर दिया आगे, तो देखिए बीप भी बज गई है और रिवर्स गियर में गाड़ी एंगेज हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे कैमरा भी जो है ऑन हो गया है ना, और बीप आती है इसमें जो है एकदम से रिवर्स गियर लगाते ही। हम इसको डिसंगेज करेंगे तो हमें उठाने की ज़रूरत नहीं है वो, क्योंकि पहले से ऊपर होता है वो, पर इसको ऐसे कर देंगे उंगली से इशारा, और ये नॉर्मल न्यूट्रल हो जाएगी आपकी गाड़ी, और आपका नॉर्मल लगाना। तो देखिए अब कोई बीप नहीं आएगी, क्योंकि पहला गियर लगाए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और आपको रिवर्स लगाना, तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, देखिए इसको उठाया आपने, यहाँ पे लेके गए इसके हिसाब से, देखिए डायग्राम में इधर जाना है हमें, उठा के न्यूट्रल से हमें, लेकिन न्यूट्रल जब रहती है ना गाड़ी, तो इधर उधर कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं आपका गियर लीवर, ठीक है। तो इसको उठाया आपने, उधर लेके गए और बस आगे की तरफ पुश कर दिया, देखिए आ गई है बीप, रिवर्स में जो है गाड़ी लग गई है। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो अब बात कर लेते पहले गियर की, भाई चलाना है तो पहला गियर लगाना तो आना चाहिए गाड़ी को। तो सबसे पहले आप प्रेस करेंगे क्लच, उसके बाद देखिए सिंपल सा है, डायग्राम के हिसाब से देखिए पहला गियर कहाँ पे, यहाँ पे इस टाइम जो आपका न्यूट्रल में होता है ना, वो इस लाइन में होता है आपका, ठीक है। इधर करेंगे तो 5वे की तरफ चला गया, सामने करेंगे तो ये तीसरा चला गया, ठीक है, इधर करके करेंगे तो ये पहला चला गया,
रिवर्स के गाने मैंने आपको बताया कि उठा के ही रिवर्स जो है एंगेज होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए डायग्राम के हिसाब से आपको जाना है लेफ्ट, क्योंकि अभी यहाँ पे बीच में तीसरे और चौथे गियर के बीच में न्यूट्रल मान लीजिए, तो इधर जाना है आपको लेफ्ट पहले गियर के लिए। तो सबसे पहले तो आप करेंगे इसको लीवर को इधर को पुश लेफ्ट, और बस फिर वन आ गया है तो इसको आगे कर दीजिए, बस लग गया पहला गियर, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। अब जाना है हमें सेकंड गियर में, तो आप देखिए पहले के पीछे ही दूसरा है, तो आपको बस क्या करना है, सीधा देखिए सॉरी पहला है और इसको आप कर देंगे तो दूसरा हो गया, मतलब देखिए उंगली के इशारे से ही जो आपको गियर लग जाएगा। ये देखिए पहले और दूसरे में थोड़ी दिक्कत होती है मतलब उंगली से करने में, क्योंकि वो न्यूट्रल हो जाएगा बीच में। तो जैसे आपका पहला है तो आप उसको हल्का सा लेफ्ट में ही पुश करके रखिए और पीछे कर दीजिए, सेकंड हो गया। अब आप सोचेंगे कि भाई सेकंड में तो पहले आपको न्यूट्रल पे जाना पड़ेगा ऐसे करके फिर आगे तीसरा, तो नहीं, इसमें दिमाग लगा रखा है इंजीनियर्स ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है गियर जो है रेशियो यूज़ होता है सेकंड से थर्ड। तो इसमें ना आप देखिए उंगली से पुश करेंगे और इस सीधा तीसरे गियर में पहुँच जाएगी गाड़ी, और यहाँ से तीसरे से भी चौथा लगाना बहुत ईजी है, क्योंकि तीसरे के पीछे ही चौथा है, तो सीधा लेके आइए ये चौथा। अब चौथे से पाँचवें के लिए आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कम गियर यूज़ होता है, तो पहले आपको चौथे से आगे न्यूट्रल में जाना पड़ेगा, फिर आप राइट में पुश करेंगे क्योंकि पाँचों राइट में है ऐसे, फिर आप आगे पुश करेंगे आपका फिफ्थ लगेगा। फिफ्थ से सिक्स आपको इधर को ही पुश करके रखना पड़ेगा और सीधा पीछे खींच दी थी, हो गया सिक्स, ठीक है। तो ये अब मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं, बहुत ईजी यार। मतलब नीचे कुछ लोग ना नीचे गियर देख लगा के शुरू शुरू में तो करेंगे आप, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, सामने देखिए कॉन्फिडेंस रखिए, 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए रोज़ इसकी, खुद ब खुद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगली वीडियो में आपको चला के भी दिखाऊंगा गाड़ी कि चला तो कैसे चेंज करते हैं, एक्सीलेटर क्लच कब यूज़ करना है, ब्रेक कब यूज़ करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जाएगी, तो जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। देखिए न्यूट्रल है यहाँ पे तीसरे और चौथे के बीच में, ये देखिए ऐसे न्यूट्रल का पता लगता है आपको, कुछ बंदों को पता होगा अगर आप, अब देखिए पहले गियर में तो ऐसे ऐसे इधर उधर नहीं मूव होगा, किसी भी गियर में अगर गाड़ी होगी तो गियर नहीं मूव होगा, इसका मतलब गाड़ी गियर में है। जब गाड़ी न्यूट्रल में होगी तो इधर उधर इजीली मूव कर जाएगी। तो लेफ्ट जाने पहला जाने के लिए आपको लेफ्ट जाना है, आगे लग गया पहला, दूसरे के लिए आपको इधर को ही पुश करके रखना है लेफ्ट की साइड और पीछे कर दीजिए, ओके दूसरा। दूसरे सीधा बहुत सिंपल है, एक उंगली से भी लगा सकते हैं आप, देखिए बस इसको आगे की तरफ पुश कर दीजिए, ये पहुँच गए तीसरे में। चौथे में जाने के लिए पीछे पुश कर दीजिए, पहुँच गए चौथे में, ठीक है। और पाँचवें में जाने के लिए आपको आगे जाना पड़ेगा न्यूट्रल इधर राइट में, क्योंकि डायग्राम के हिसाब से आप डायग्राम देखिए सिर्फ अपना आपको गियर लगाने आ जाएंगे। और ये फिफ्थ आगे पुश कर दीजिए, और ऐसे ही इधर सिक्स पीछे है तो इधर को ही धक्का देके रखिए हल्का सा पुश करके रखिए गियर को और पीछे खींच दीजिए, हो गया होगा सिक्स गियर, जो कि टॉप गियर है इस गाड़ी में। कुछ में पाँचों होता है तो बस आपको पाँचवें तक ही लगाना है, पीछे मत लगाना, पीछे उसमें रिवर्स होगा और अगर आप लगाना चाहेंगे भी तो वो एंगेज नहीं होगा, ठीक है, रिवर्स गियर नहीं होगा चलती गाड़ी में। तो यही सब था बस, ठीक है भाई, बहुत सिंपल है, आप देख ही सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको देख देख के आप अपनी गाड़ी में प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको आ जाएगा लगाना, ठीक है। और कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, गाड़ी चलाना कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको धीरे धीरे आगे और वीडियोस में भी जो है लेके आता रहूँगा जो है कैसे कैसे गाड़ी चलानी है, बहुत सिंपल सिंपल ट्रिक्स, ठीक है। और ये डीजल की है तो मतलब काफ़ी आसान होता है डीजल की गाड़ी, पर पिकअप ज़्यादा होता थोड़ा, तो इस वजह से थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है भाई। ये तो बहुत सिंपल है गियर लगाना, मैं तो भाई अब ऐसे जो पहला लग गया हमारा तो ये चलता रहता, दूसरा ये हो गया, तीसरा चौथा, पहले पहचान है, आँख बंद करके लगा सकते हैं, ये देखो कितना। तो सब चीज़ प्रैक्टिस के ऊपर है, पेट से कोई सीख के नहीं आता, ठीक है, सब ने यहीं पर आगे सीखा है, कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बाद में सीखते हैं, कुछ उस टाइम पहले अपने भाई तैयारी कर रहे होते हैं, किसी के पास गाड़ी नहीं होती, वो गाड़ी लेने के लिए मेहनत कर रहा होता है, तो इस चीज़ के लिए कोई डीमोटिवेट होना जरूरी नहीं कि भाई हमारी एज ज़्यादा होगी, हमें गाड़ी चलानी है, हमें तो गियर भी लगाना नहीं आता, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक महीने में ट्रेंड हो जाओगे, ठीक है। तो भाई वीडियोस देखते रहो, आगे आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और लेके आता रहूँगा डेली डेली जो भी है कुछ ना कुछ वीडियोस गाड़ी सीखने के ऊपर, बहुत जल्दी आप सीख जाओगे गाड़ी, और प्रैक्टिस करते रहो गियर की, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ठीक है भाई, अब वीडियो को एंड कर देते हैं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और आगे भी आप ना फिर सब्सक्राइब करके देखते रहना वीडियोज़ की, बहुत सिंपल तरीके से आपको सिखाता रहूँगा और सारी चीज़ें गाड़ी चलाने के लिए। तो थैंक यू सो मच।